Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are watching your favorite YouTube channel, Aziz UK Vlog. I am your host, Mohammad Zahid. If you are watching my video first time, I would like to request you to please subscribe, like and share my channel, and also press the bell icon so you should get the notification straight away. Nazreen, aaj ki video इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतनी इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मैसेज करके मुझे कहते हैं कि हमारे पास कोई इतनी बड़ी एजुकेशन, कोई इतनी बड़ी डिग्रीज नहीं है, हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही हम इंग्लिश का टेस्ट पास कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ यूके के सीजनल वर्क वीज़े के बारे में। इट इज़ वन ऑफ वेरी पॉपुलर वीज़ा। ये बात अब ज़हन नशीन कर लें कि ये नहीं है कि ये वीज़ा मिलता नहीं है, ये वीज़ा मिलता भी है और लोग यूके में आते हैं और काम भी करते हैं, क्योंकि इस वीज़े की कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है नाज़रीन, ना ही इसके अंदर कोई ऐसी एज लिमिट डिफाइन है, ना ही आपको किसी किस्म का इंग्लिश टेस्ट देना होगा और ना ही किसी किस्म की एजुकेशन आपने शो करनी है। इवन आपके पास कोई तालीम नहीं है, फिर भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आपने ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितनी सैलरी ऑफर होती है इस वीज़े के ऊपर पर, और कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए और कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर कर लूँ। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटी के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए। तो मज़ीद वक्त ज़ाया करने से पहले हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। बात करते हैं कि सीजनल वर्क वीज़ा होता क्या है। सीजनल वर्क वीज़ा एक टेम्परेरी वीज़ा होता है जो आपको अलाउ करता है कि यूके के अंदर रहकर आप 6 महीने काम कर सकते हैं और आपको 6 महीने का वीज़ा ही अलाउ किया जाता है। सीजनल वर्क वीज़े के लिए 2 तरह के वीज़े ग्रांट किए जाते हैं। एक तो होता है पोल्ट्री फार्म का वीज़ा और ये वीज़े अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान ग्रांट किए जाते हैं, लेकिन एक और भी वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है सीजनल वर्क वीज़े के अंदर, और वो होता है हॉर्टिकल्चरल के रिलेटेड। ये 6 महीने का वीज़ा ग्रांट किया जाता है जिसमें फूड पिकिंग, जितने भी फूड से वेजिटेबल के रिलेटेड फ्लावर पिकिंग वो इंक्लूडेड होते हैं। इस वीज़े के लिए कोई भी किसी मुल्क से भी अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि इस वीज़े के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या है। इसमें एज लिमिट नहीं है, लेकिन आपको कम अज़ कम 18 साल या इससे ऊपर होना ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास COS होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रही है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आपके अकाउंट में 1,270 पाउंड होने चाहिए आपने आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब यूके आएंगे तो आते ही आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी ना, आपने रेंट पे करना है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, फूड के लिए पे करने हैं और ट्रैवल के लिए भी पे करने हैं। बहुत से एम्प्लॉयर ये सब कवर करते हैं, वो अपने स्पॉन्सर लेटर में मेंशन कर देंगे अगर उन्होंने कवर करना हुआ तो। अगर वो कवर नहीं करते तो इनिशियल कॉस्ट तो आपने अपने पल्ले से ही पूरी करनी होगी। अब मैं बात करता हूँ कि इस वीज़े को हासिल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। दोस्तों, ये वीज़ा हासिल करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपका वैलिड पासपोर्ट हो, नंबर 2 आपका स्पॉन्सर लेटर हो जो आपकी जॉब के वाले से हो, और 3rd नंबर पर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो पिछले 28 दिन की हो और उसमें कम से कम 1,270 पाउंड हो। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ मच दिस वीज़ा गोइंग टू कॉस्ट यू। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपकी जेब से कुछ भी नहीं लगना, आपको 0 कॉस्ट होनी चाहिए।
लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि आपने इनिशियल कॉस्ट खुद ही भरनी है और जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 298 पाउंड के लगभग होगी, आपने पर्सनल सेविंग दिखानी है, फंड्स दिखाने हैं वो आपने अपने अकाउंट में दिखाने हैं, इससे होम ऑफिस को कोई गर्ज नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपने इस वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो इसका रिस्पॉन्स कितने, इसका प्रोसेसिंग पीरियड, इसका टाइम क्या कितना है। वैसे तो नाजरीन हर एक की एप्लीकेशन डिले हो रही है, चाहे किसी भी कैटेगरी के वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जो टाइम पीरियड इसके वेबसाइट पर मेंशन किया गया है वो 3 वीक्स है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब अप्लाई करते हैं ना तो 3 हफ्तों में इसका रिप्लाई आ जाता है होम ऑफिस की तरफ से। दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि हम यूके में इस वीज़े पर कितना अर्सा रह सकते हैं। आपको मैं पहले भी बता दिया है कि ये एक टेम्परेरी वीज़ा है जिसकी टाइम लिमिट जो है वो 6 माह है। पहले इसे Tier 5 टेम्परेरी वर्क वीज़ा कहते थे, अब इसको सीजनल वर्क वीज़ा कहते हैं, इसका नाम तब्दील कर दिया गया है। एट अ टाइम आप 6 माह के लिए यूके में रह सकते हैं, 6 माह के बाद आपको अपना वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा। नाज़रीन है तो ये टेम्परेरी वर्क वीज़ा, लेकिन अगर आप यूके में आते हैं, सही तरीके से काम करते हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस जो होगा वो पूरी दुनिया में माना जाता है। यूके में काम करने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि आपका एक अच्छा रेफरेंस बन जाएगा, तो फिर आप और किसी मुल्क में चाहे कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं नाज़रीन बात करता हूं कि अगर आप यहां यूके में आते हैं तो आपको तकरीबन सैलरी कितनी मिलती है और किस तरह के काम आप नहीं कर सकते। यूके में सीजनल वर्क वीज़े वालों को जो सैलरी ऑफ़र की जाती है वो तकरीबन 27,000 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड तक होती है। अब मैं बताता हूँ कि इस वीज़े पर रहकर आप कौन से काम नहीं कर सकते। आप यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं ले सकते, सेकंड जॉब नहीं कर सकते, जो जॉब आपके स्पॉन्सर लेटर पर लिखी होगी वही जॉब आप ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जॉब आप नहीं ले सकते। इसके अलावा आप पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते, आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी पर आ जाएं, पब्लिक फंड्स सिर्फ होते हैं ब्रिटिश नेशनल लोगों के लिए। इसके बाद आप इस वीज़ा कैटेगरी में आप अपने फैमिली या बच्चों को साथ नहीं लेकर आ सकते क्योंकि ये टेम्परेरी कैटेगरी का वीज़ा होता है। अब मैं बात करता हूँ कि इस वीज़ा कैटेगरी पर कौन कौन सी जॉब अवेलेबल होती है। एक और ख़बर भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँ कि 2023 में 45,000 वर्क वीज़े, सीजनल वर्क वीज़े इशू किए गए और 2024 में 55,000 वीज़े ग्रांट किए जाएंगे सीजनल वर्क वीज़े वालों के लिए। आप नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वीज़ा का कोटा है और कितने बड़ी तादाद में लोगों को ये वेलकम करते हैं इस सीजनल वर्क वीज़े के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक किस्म की जॉब नहीं, वैराइटीज़ ऑफ जॉब्स जो है ना इसमें, इस वीज़े में अवेलेबल हैं। जॉब्स लाइक वेजिटेबल पिक, फ्रूट पिक, डेयरी फार्म का जो काम है वो फार्म ट्रांसपोर्टर, पोल्ट्री फार्म, वेयर हाउस मैनेजर, फार्म इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, न्यूट्रिशन, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, सेल मैनेजर, इसके अलावा बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं नाजरीन जो फार्मिंग से और पोल्ट्री से रिलेटेड हैं। फार्म वर्कर्स हो गए, फार्म मैनेजर हो गए, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं होती, परमानेंट वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाता, तो इसके लिए हर साल जॉब्स अवेलेबल होती हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों को जॉब ऑफर की जाती है। अब बात करते हैं कि आपने स्पॉन्सर कैसे ढूंढना है और CUS लेटर कैसे हासिल करना है। जिस वेबसाइट पर नाज़रीन आपने जाना है उसका नाम है gov.uk। इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर की, आप इसको डाउनलोड करके इसके अंदर से स्क्रीन आउट कर सकते हैं उन एम्प्लॉयर्स को जो टेम्परेरी वीज़ा इशू करते हैं। नाज़रीन इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो AGHR है, जो सीजनल वर्क वीज़ा के लिए स्पॉन्सर करती है। आप इस पर जाकर देख भी सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हम एक एग्रीकल्चरल कंपनी है और हम सीजनल वर्क वीज़ा के लिए स्पॉन्सर भी करते हैं। आप इनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, आप इनका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पर इनका नंबर भी लिखा हुआ है, आप इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। दूसरी है कनकॉर्डिया कंपनी, इन्होंने 2023 में भी काफ़ी लोगों को स्पॉन्सर किया है और आइंदा 2024 में भी ये करेंगे, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी भी है फ्रूटफुल जॉब, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, ये भी सीजनल वर्क वीज़े के लिए स्पॉन्सर करते हैं। नाज़रीन इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, आपको जब वेबसाइट पर जाएंगे आपको बहुत सी कंपनियां मिल जाएंगी जो सीजनल वर्क वीज़े के लिए हायर करती हैं। नाज़रीन अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कंप्यूटर का इतना तजर्बा नहीं है,
कि आप वेबसाइट पर कैसे जाएं, ये जॉब सर्च कैसे करें, इसको इस जॉब को अप्लाई कैसे करें, वीज़ा के लिए कौन कौन सा प्रोसेस कैसे करें, तो आप किसी माहिर कंसल्टेंट या किसी वकील से जो इमिग्रेशन के बारे में जानता हो, एक्सपीरियंस हो, ईमानदार बंदा हो, जो आपसे फीस भी मुनासिब ले, आप उनसे रब्ता करके ये सीजनल वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इतनी आला तालीम की भी ज़रूरत नहीं है, किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इतने बहुत बड़े बैंक बैलेंस की ज़रूरत है, ना ही इतना इसका मुश्किल क्राइटेरिया है, आसान है। आपको आसानी से 6 माह का वर्क वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपका वक्त भी बर्बाद नहीं होगा, पैसा भी ज़ाया नहीं होगा और आप वीज़ा हासिल करने में कामयाब भी हो जाएंगे। नाज़रीन, एक कंपनी कॉनकॉर्डिया भी है जिसने 2023 में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को हायर किया। आप इसके साथ भी ईमेल भी कर सकते हैं और उनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। एक और कंपनी है आरी रिक्रूटमेंट, जो पोल्ट्री फार्म के लिए लोगों को हायर करती है। इनकी हायरिंग नवंबर से दिसंबर के दरमियान होती है, तो आप नवंबर दिसंबर से 3 माह पहले इनसे कॉन्टैक्ट कर लें और पूछ सकते हैं कि जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है। आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करते हैं, अपने CV को हमेशा कस्टमाइज करें, कवर लेटर लिखें जो आपकी जॉब के रिलेटेड हो, ताकि अगले को भी लगे कि आप जॉब करने के लिए संजीदा हैं। नाज़रीन, हसबे मामूल में हर वीडियो के आखिर में अपने नाज़रीन को चंद नसीहतें वसीयतें करता हूँ, एडवाइजेज देता हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी के वीज़े के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश में वही बात फिर मैं दोहरा देता हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यकीन करें कि आप ऑनेस्ट चलेंगे तो अल्लाह की मदद भी आपके शामिल हाल रहेगी और आप बहुत सी परेशानियों से बच भी जाएंगे। मैंने कोशिश की कि सीजनल वर्क वीज़े के बारे में जितनी मालूमात हो सके आपको दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और मुझसे सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका बर वक्त जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहन भाइयों तक इसकी बर वक्त मालूमात पहुँच सके। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपकी हर आने वाली मुसीबत, तकलीफ, परेशानियों को दूर करे। अल्लाह पाक आपको सुकून कल्ब अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ हलाल बा कफ़ायत अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं और पसंदीदगी का इजहार करते हैं। अब अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।